बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान खान हूँ। एक बड़ी ख़बर है जहाँ से मैं आगाज़ करता हूँ अपने वी लॉग का, और वो ख़बर ये है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने एक एहतजाज किया है और रावलपिंडी से लेकर फैज़ाबाद तक ये गए और वहाँ पर जाकर धरना दे दिया है। इनके तीन मुतालबात हैं और तीनों मुतालबात मैं आपको अपने पिछले वी लॉग में बता चुका हूँ। एक तो ये कहते हैं कि हुकूमती सतह पर कुछ इमदाद रवाना की जाए, दवाइयाँ और ग़िज़ा वगैरह। बहुत सारे मुल्क ऐसा कर रहे हैं लेकिन इसराइल क्योंकि बार बार अटैक करता है, जो लोग मदद करने के लिए जाते हैं उनके ऊपर भी अटैक करता है, और बहुत सारे ऐसे वर्कर्स जो फलाही काम वहाँ करना चाह रहे हैं गाज़ा में, वो भी शहीद हो गए हैं। तुर्की मदद कर रहा है, आसपास के बहुत सारे मुसलमान मुल्क मदद कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ मदद कर रही हैं, अक़वामे मुत्तहिदा मदद कर रहा है, और पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए। एक तो इनका ये मुतालबा है और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो हुकूमत ना माने। दूसरा उनका ये कि नेतन्याहू को दहशतगर्द बोले तो बिल्कुल बोलना चाहिए। हुकूमत हमेशा ये कहती रही है, पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो हमेशा कहते रहे हैं कि इसराइली बर्बरियत है, और वो इसराइली इकदामात को दहशतगर्दी से तशबीह देते रहे हैं, और जो कुछ नेतन्याहू ने कहा और जो कुछ किया उसको कहा जा सकता है दहशतगर्दी। पाकिस्तानी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी हुकूमत कहना चाहे तो वो कह सकती है, ये पाकिस्तानी हुकूमतें पहले भी ये बातें करती रही है। और एक मुतालबा जो है वो ये कि इसराइली जो मसनूआत है उनका बाइकआउट कर दिया जाए पाकिस्तान में। ये मुहिम बहुत पहले से चल रही है पाकिस्तान में और बड़ी कामयाब रही है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनकी जो सेल है वो बहुत नीचे चली गई पाकिस्तान में और लगातार नीचे जा रही है, और उसकी वजह यही है कि लोगों ने उसका अज़ खुद बाइकआउट किया। मुख्तलिफ तनज़ीमों ने कहा, मारिया भी उन्होंने बड़ी इसके लिए आवाज़ उठाई, हमारे जमात इस्लामी के सैनिटर मुश्ताक अहमद साहब हैं उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई। तो तहरीके लबैक का एक बड़ा ऐसा इकदाम है कि उन्होंने एक लॉन्ग मार्च किया है, एक मार्च किया, लॉन्ग मार्च तो नहीं है, रावलपिंडी से लेकर फैज़ाबाद तक वो गए, एक मार्च किया है, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने कहा हम धरना दे के बैठ जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसे मुतालबात नहीं है जिनको मानने में हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही हो। हुकूमत बातचीत करके फौरी तौर पर यह मुतालबात मान सकती है और जो मुजाहिरीन है उनको उनके घरों को भेजा जा सकता है और उनके मुतालबात भी पूरे हो जाएंगे। अब कोई ऐसा मुतालबा तो उन्होंने नहीं किया कि पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो उसको रवाना किया जाए और जाकर फ़लस्तीनियों को बचाया जाए, ऐसा तो मुतालबा कोई नहीं है, या कोई और ऐसा बड़ा मुतालबा नहीं है जिसको पूरा ना कर सके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, या करने के अंदर उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये मुतालबा जो है ये पूरे किए जा सकते हैं। अब बहुत अच्छा किया तहरीक लबैक वालों ने, और जो लोग भी वहाँ पे निकले उन सब की इस कोशिश को, इस काविज को सलाम है, और तमाम जितने भी लोग हैं मुसलमान हैं पाकिस्तानी हैं वो सारे उनको सलाम पेश कर रहे हैं कि इस गर्मी में, इस मौसम में ये लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले और बड़ी तादाद में निकल कर जाकर बैठ भी गए। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो उन्होंने उठाया फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए। पूरी दुनिया में ये पैगाम जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर इसकी कवरेज होगी और दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान कैसे सोचता है। लेकिन चंद सवालात हैं जो रियासत पाकिस्तान से पूछे जाने चाहिए इस मौके पर, और चंद छोटे छोटे सवालात हैं जो तहरीक लबैक की क़यादत को भी उनके जवाबों के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। एक तो ये है कि ये हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, जब गाज़ा पर अटैक किया था इसराइल ने। अच्छा, ये 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था और नवंबर में बहुत सारे एहतजाज हुए थे, उनमें एक एहतजाज जो है अच्छा तगड़ा एहतजाज नवंबर के शुरू में वो तहरीक लबैक ने किया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक 8 महीने हो गए तहरीक लबैक ने कोई एहतजाज नहीं किया, 8 महीनों से वो बिल्कुल खामोश है। इस बीच में मेंबर से आवाज़ आती है, और वो सिर्फ तहरीक लबैक के नहीं, वो तो ज़्यादा स्टेटमेंट फजल रहमान साहब के भी हैं। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद साहब जो है वो यहाँ महीनों बैठे रहे इस्लामाबाद में, डी चौक के अंदर एहतजाज करते रहे, उनके कुछ कारकुन जो हैं वो शहीद भी हो गए एक वाकये के अंदर, और उनके ऊपर बार बार पुलिस आकर चढ़ाई भी करती थी, उनके साथ लड़ाई भी करती थी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते रहे, विटनेस करते रहे, वहाँ पर रियासती रवैया कुछ और था। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि तहरीक लबैक ने कुछ ऐसी चीज़ नहीं की, यानी कोई रैली नहीं की, कोई जुलूस नहीं निकाला, कोई जलसा नहीं किया इन 8 महीनों में। नवंबर में एक दफ़ा किया था वो रिकॉर्ड का हिस्सा, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक ये खामोश रहे। तो क्या उन्हें लगा कि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है? जमात इस्लामी बार बार निकलती रही, फजल रहमान साहब बार बार निकलते रहे, तहरीक इंसाफ बार बार निकलने की कोशिश करती रही और उनको दबाया जाता रहा।
यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि एक वाक्या हो गया था, मुझे आज सदीक जान ने शायद बताया, याद दिलाया दोबारा, कि कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया था कि हम कुरान खानी करेंगे बाहर निकलकर, और तहरीक इंसाफ के लोगों को कुरान खानी भी नहीं करने दी गई थी। मैंने वो मनाजिर भी देखे हैं और ऐसी चीज़ें सुनी हैं कि फ़लस्तीन का झंडा लेकर जो लोग जा रहे होते थे उनसे जो सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग हैं वो इस वजह से कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल के ऊपर लोग निकले तो उनसे फ़लस्तीन का झंडा भी ले लेते थे। ये भी वक्त मैंने देखा है। और मैंने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जब एहतजाज के लिए कहा तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर जो ज़िली इंतज़ामिया उन्होंने मना कर दिया, ना सिर्फ मना कर दिया बल्कि बार बार दरख्वास्त बाजी के बावजूद इजाज़त नहीं दी। मार्च और रैली तो एक बहुत दूर की बात है, और उसके बाद वो अदालतों में जाते रहे, अदालतों की मुदाखलत के बावजूद इजाज़त नहीं दी गई। और ये एक दफ़ा नहीं, मल्टीपल टाइम अलग अलग शहरों में ये चीज़ें होती रही हैं। हम ये देखते रहे, चाहे वो फ़लस्तीन के लिए निकलना चाहे, चाहे किसी और कॉज के लिए निकलना चाहे, महंगाई के खिलाफ निकलना चाहे, कोई और पुरमन एहतजाज करना चाहे, उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन जब तहरीके लबैक के लोग निकले तो कुछ सवालात हैं जो अब 38,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, इससे ज़्यादा। जो कल रात तक की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक तो 38,500 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की तादाद बहुत बड़ी है, ख़वातीन भी हैं, ख़वातीन की इस्मत दरी के वाक़ियात भी हुए हैं, डॉक्टर्स जो हैं उनको शहीद किया गया है। और ये चीज़ें हम रिपोर्ट करते रहे हैं, यानी अगर आज तहरीक लबैक वालों को ये लगता है कि ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई तो उनके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो मीडिया के थ्रू ही आई है। और मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे काम करते हैं, वो लगातार फ़लस्तीन के अंदर होने वाले वाक़ियात को रिपोर्ट कर रहे थे। इनके ऊपर हमने बाकायदा पूरे पूरे वीलॉग्स अलग से बनाए हैं और वो सारी चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं, और वो चीज़ें इन लोगों तक पहुँची भी हैं। जानते हैं सबके पाकिस्तान में जो जर्नलिस्ट हैं वो इस बारे में बात ज़रूर करते रहते हैं, मैं तो ख़ास तौर पे इस बारे में कई सालों से बात कर रहा हूँ। लेकिन अब हुआ ये कि 38,000 से ज़्यादा जब लोग शहीद हो गए, इस बीच में हमने देखा कि रमज़ानुल मुबारक भी गुजर गया, ईदुल्फितर भी गुजर गई, ईदुल्अज़हा भी गुजर गई, और अब मुहर्रमुल हराम के मौके पर जबकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने और जो हुकूमतें हैं उन्होंने बड़ा वाज़े कहा था कि हम कोई एहतजाज नहीं करने देंगे। मुहर्रम से पहले भी उन्होंने मना कर रखा था कि किसी को बाहर नहीं निकलने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा सीरियस मसला है और खुदा न खास्ता जो है वो दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है। इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा बार बार कही जा रही थी हुकूमत की जानिब से। तो फिर हमने देखा कि तहरीक लबैक निकलती भी है, अब किस डीसी से उन्होंने परमिशन ली, फिर कब डीसी ने मना किया उन्हें, फिर कब वो किसी अदालत में गए, कब उन्होंने अदालत से परमिशन ली, तो ये सारी चीज़ें तो नहीं हुई। और तहरीक लबैक ने देखें जो मुतालबात आपके होते हैं ना, तरीक़ाकार ये होता है कि आप अपने मुतालबात पेश करते हैं और आप ये कहते हैं जो नॉर्मल तरीक़ाकार है कि जनाब हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएं, अदरवाइज़ हम निकलेंगे और मार्च भी करेंगे और धरना भी देंगे, यानी हमें एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए, हमारे मुतालबात माने जाएँ, जो अमूमी तौर पर होता है वो ये होता है। लेकिन ये मुतालबात मैंने तब सुने जब तहरीक लबैक ने निकलने का फ़ैसला किया और वो निकल आई, लगभग एक हफ़्ता पहले हमें पता चलता है, और फिर अब वो एक बड़ा एहतजाज लेकर पहुंच गए हैं। लेकिन बहुत बड़ा एहतजाज है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी अजीब हुई हैं। एक तो हम दर्जन से ज़ायद सहाफ़ी हैं जिनका आपस में रब्ता हुआ, तो हमें पता चला कि सबके साथ ये हो रहा है। तहरीक लबैक के लोगों ने हमारे नंबर्स जो हैं वो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर डाल दिए और वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दी कि जनाब इनको लगातार मैसेजेस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, इनके मोबाइल फ़ोन में इनका जीना नाम कर दो। तो वो तहरीक लबैक के जितने भी वो लड़के हैं, नौजवान हैं, ख़वातीन हैं, हज़रात हैं, जो भी हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन वो धड़ा धड़ मैसेजेस कर रहे हैं, धड़ा धड़ मैसेजेस कर रहे हैं। और यानी कोई ताने दे रहा है, कोई कह रहा है जी आप इसराइल के साथ हैं, कोई कह रहा है जी फ़लस्तीनियों के हक में नहीं है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई धमकी हमें ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, कोई गालम गलोच कर रहा है। ये वो वैसे बहुत ही अजीब है, यानी ये वो अगर उल्मा की जमात है और इनका दीन से ताल्लुक़ है या मजहबी सियासी जमात है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाली देने से, बदतमीजी करने से मना किया है। लेकिन मैं ये देखता हूँ ये टका के बदतमीजी भी करते हैं और गालम गलोच भी करते हैं, तो पता नहीं क्या इनको सिखा रहे हैं। उल्मा को चाहिए अपने शागिर्दों को सिखाएं कि ज़रा धीमे लहजे के साथ रहें और इखलाक का दामन ना छोड़ें और गालम गुलेज से गुरेज करें। बाकी लोग भी दें तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनके मुंह से तो बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि मजहबी सियासी जमात है। बहरहाल जो करना है वो करते रहें, हम तो अपना काम करते हैं जनाब। मार कुटाई के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, हर किस्म का जुल्म और जबर सहने के बावजूद कोई असर नहीं हुआ,
तो इन मैसेजेस का तो असर किसी को भी नहीं होगा। वो सहाफ़ी भी जो मेरे साथ बातें कर रहे थे वो हंस रहे थे कि यार ये क्या, इन्होंने अजीब गरीब बचकाना काम शुरू किया है। बहरहाल वो ये कर रहे थे। अब मामला ये है कि पहले मुतालबात पेश नहीं किया, मुतालबात पेश किए तो हुकूमत को चाहिए कि मुतालबात मान ले, मुतालबात जायज़ भी है, मुतालबात गलत नहीं है, मुतालबात जायज़ है। और वो कोई ऐसे मुतालबात भी नहीं है जो तस्लीम करते हुए हुकूमत की कमर दूरी हो जाए या कोई ऐसा मसला हो जाए उनके साथ ना। तो अब बजाय इसके कि इस मामले को लटकाया जाए, क्योंकि देखें पुलिस प्रोटोकॉल दे रही थी, जो मैंने वहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद थे, जो लोग मौजूद थे उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी पुलिस तो बाकायदा इनको प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी फ्राहम कर रही है, बल्कि जब जमात इस्लामी वाले आते थे उनको डंडे मारते थे, उनके साथ लड़ाई करते थे, जब पीटीआई वाले आते थे फलस्तीन के लिए उनको डंडे मारते थे, उनसे लड़ाई करते थे, उनसे झंडे तक छीन लेते थे, और तहरीक लबैक के साथ मिलकर वो नारे लगा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इंतज़ामिया ने खुद इसको प्लान किया है और हुकूमत की आशीर्वाद से और उनके फ्री हैंड देने पे या उनकी मदद से ये एक बहुत बड़ा काफिला निकला और निकलकर फैज़ाबाद पहुंचा है। मामला ये है इस वक्त फैज़ाबाद के हवाले से इनके पहुंचने पे कुछ लोग सवालात भी उठा रहे हैं और ओपनली उठा रहे हैं। तो काजी फायज ईसा साहब वो जज हैं जिन्होंने फैज़ाबाद धरने का एक केस पहले सुन रखा है, तो उनका इस हवाले से तजर्बा भी है और आजकल वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो वो देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और पुलिस इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रही है। यानी थोड़े दिन पहले इसी शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुहर्रमुल हराम से पहले एक जलसा करना चाहती थी, उन्हें रोक दिया गया कि जी दहशतगर्दी हो जाएगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, उन्हें जगह ही नहीं दे रहे। वो बेचारे 4 महीने से जलसा करना चाह रहे हैं, उनको नहीं करने दे रहे, और ये आए इनको रोका भी किसी ने नहीं, और पुलिस प्रोटोकॉल भी दे रही है, पुलिस इनके साथ मिलकर नारे भी लगा रही है। तो कमाल किस्म का जो है वो रियासत का एक दोगला रवैया है दो तरह का। और एक चीज़ मैं आपसे और गुजारिश करूं कि ये जो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का हक है ये हर पाकिस्तानी का है, ये सिर्फ मेरे तहरीक लबैक के दोस्तों और भाइयों का नहीं है। आज वो निकले हैं वो शाबाश के मुस्तहिक हैं, जो लोग निकले हैं उनकी नीयत पे शक नहीं आप कर सकते बिल्कुल भी। वो लोग अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए निकले हैं और एक जज्बे के साथ निकले हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या बाकी लोगों को निकलने देना चाहिए या नहीं, रियासत बाकियों को क्यों मारती है जब बाकी लोग निकलते हैं, ये एक सवाल है। दूसरा ये है कि इसको कौन लिंगर ऑन करना चाहता है, यानी इसके पीछे ये इतना सादा नहीं है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह पुलिस अपने प्रोटोकॉल में लेकर आई है और जैसे इस मार्च को धरने में कन्वर्ट किया गया है और जैसे वहाँ पर लोग बैठ रहे हैं, ये मुझे इतना सादा लगता नहीं है। हुकूमत इनके साथ फौरी तौर पर मुज़ाकरात भी कर सकती है और ये सारी चीज़ें हुकूमत को पहले से पता होती है, लेकिन अभी आप देखते जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े बड़े एहतजाज पाकिस्तान में और भी होने वाले थे जो हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा कर सकते थे, और मेरे ख्याल में उन मुश्किलात से बचने के लिए ये एक कॉस्मेटिक सोल्यूशन भी हो सकता है। ये मैं अभी कह रहा हूँ, ये मेरी परसेप्शन है जो मुझे समझ आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने पाकिस्तान में होते हुए देखी हैं बहुत तेज़ी से। लेट्स सी इसमें होता क्या है। बहरहाल इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को दोबारा गिरफ्तार किया गया। पिछले वीलॉग में मैंने कहा था इमरान खान साहब को जो है वो नौमी वाले मामले में, लेकिन नहीं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जमानतें खारिज होने के मामले को चैलेंज करने के लिए जा रही है, जबकि दोबारा जो गिरफ्तार किया गया है वो तोशा खाना के एक और मुकदमा बनाकर उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। और इस मुकदमे में गिरफ्तारी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब आमिर फारूक साहब के साथ जोड़कर देख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 5 मरतबा उनका यह कहना है कि हमने कोशिश की कि इस केस के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनको जमानत हो जाए, लेकिन 5 मरतबा किसी न किसी वजह से इसको डिले में रखा गया और 3 महीनों से इस केस की बारी नहीं आने दी गई, और अब इसी में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो फिर भी बेल के लिए जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब की जमानत हो जाए। सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर छोड़ा गया था सनम जावेद को, और पुलिस को मना कर दिया गया था कि वो अब सनम जावेद को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन बहरहाल उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। यानी पंजाब पुलिस से जान छूटी तो इस्लामाबाद पुलिस ले गई है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाकर चैलेंज होगा, तो देखते हैं कि इस्लामाबाद में इस मामले का क्या बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने का फैसला किया है, इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी दे दी है। अब देखना यह है कि मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के टफ तरीन हालात के दौरान तहरीक लबैक को एक बहुत बड़ा मार्च और धरना करने की
जलसा करने की इजाज़त देने वाली हुकूमत क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान के मैदान में 14 अगस्त को जलसा करने की इजाज़त देगी या नहीं देगी? एक बड़ा सवाल है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सलूक रुकता है या नहीं रुकता। शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ा मजे का स्टेटमेंट है, मैं चाह रहा हूँ आपको सुनाऊँ। उन्होंने कहा इस्तीफा दूंगा मगर दबाव में नहीं आऊँगा, ये शहबाज शरीफ ने कहा। तो मामला ये है शहबाज शरीफ साहब कि आप दबाव में नहीं आएंगे, आप कह रहे हैं, आपने अपने मुंह से कहा हुआ कि जनरल बाजवा आपको डांट रहे थे और आप बैठकर डांट सुन रहे थे कि हमजा शहबाज को क्यों वजीर आला पंजाब बनाया, यानी ये हमने खुद सुना हुआ है और आप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे थे, तो आप दबाव में नहीं आएंगे। मियाँ साहब आप वो बात करें, यानी लोग खुद ही इसको इंजॉय कर रहे हैं इस बात को, मैं इसके ऊपर और क्या कहूँ। एक और चीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आशूरा के बाद जो बिजली के बिल बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, इनके खिलाफ एक ग्रैंड एहतजाज करने का ऐलान किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है कि वो बाकी जमातों को साथ लेकर जो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है इसके ऊपर एक बड़ा एहतजाज करेंगे आशूरा के बाद, यानी 10 मुहर्रमुल हराम के बाद। अब देखते हैं एहतजाज का ये सिलसिला कैसे शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है। बहरहाल मैं एक चीज़ जाते जाते दोबारा कह दूँ कि तहरीक लबैक के धरने में और मार्च में आने वाले तमाम लोग सलाम के मुस्तहिक हैं, वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों और बच्चों के लिए निकले हैं। लेकिन तहरीक लबैक की क़यादत को चंद सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जो सवाल मैंने पूछे हैं, जबकि रियासत पाकिस्तान को बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आप अलग अलग सलूक कैसे कर सकते हैं। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।